धर्मेंद्र भाई भाई जैसे नवरात्रों के स्कीम्स बताई कुछ कंपनी की तरफ से आई है, मेल आया था आपके पास में, सारी चीज अपडेट हो गई है ना जी, जी। तो क्या स्कीम है, मतलब थोड़ा सा ब्रीफिंग में किसानों को समझाओ। ये एसी ट्रैक्टर पे, हर ट्रैक्टर पे कोई सा ही मॉडल हो, एसी का एस कंपनी का, मतलब कोई सा मॉडल हो, चाहे वो 20 हॉर्स पावर का है, चाहे वो 30 हॉर्स पावर का है, 40 हॉर्स पावर, 50, 55, 65, 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
स्क्रैच कार्ड है, स्क्रैच कार्ड है हाँ। जिसमें नगद इनाम मिलेगा उसी टाइम, मतलब बुकिंग जैसे हमने करी, बुकिंग हुई हाँ, जैसे ट्रैक्टर का पेमेंट क्लियर हुआ, ठीक है, पेमेंट क्लियर पे है हाँ, मतलब पेमेंट क्लियर पे उसे स्क्रैच कार्ड मिलेगा, ठीक है जी। स्क्रैच कार्ड जैसे ही स्क्रैच करेगा वो हाँ, उसमें 2100 रुपए से लेकर 11 लाख तक के नाम है। 2100 रुपए से लेकर, जैसे मेरा कहने मतलब ये है आपसे कि जो मेरे को समझ में आया, जैसे हमने ट्रैक्टर खरीद लिया हाँ, और ट्रैक्टर लेने के बाद में मतलब हमारा पेमेंट तो क्लियर हो गया हाँ, तो जैसे हम डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी ले ट्रैक्टर हाँ, की उस टाइम हमें एक स्क्रैच कार्ड मिला कंपनी की तरफ से, हर ट्रैक्टर मिलेगा, मतलब चाहे 100 ट्रैक्टर बिक जाओ आपके, 200 बिक जाओ, 1000 बिक जाओ, उसका कोई दिक्कत नहीं, हर ट्रैक्टर पे है, मतलब मिनिमम अमाउंट है जी, मतलब स्क्रैच कार्ड का 2100 रुपए और मैक्सिमम अमाउंट है 11 लाख रुपए। मतलब ट्रैक्टर, अगर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से आपसे आता है, ट्रैक्टर माने चलो कीमत है उसकी 8 लाख रुपए और 11 लाख का स्क्रैच कार्ड निकल गया हाँ, तो फिर 11 लाख रुपए उसे चेक मिलेगा कंपनी से। अच्छा हाँ, 11,000 तक जो कूपन निकलेगा, ठीक है जी, वो एंड टू एंड कैश मिलेगा, मतलब 2100 से लेकर 11,000 तक का जो मिलेगा वो तो है कैश, एंड टू एंड कैश, ठीक है। 11,000 से ऊपर का है उसका मिलेगा चेक, उसका है चेक हाँ, उससे ऊपर अमाउंट कैश नहीं कर सकते, मतलब हाँ चेक, वो चेक के थ्रू, मान लो कि हर स्क्रैच कार्ड पे नगद ही है हाँ, मतलब तो चेक ही है, कोई चीज नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब और मतलब ये कब तक चलेगी स्कीम आपकी? ये नवरात्रे तक है, दशहरे तक, मतलब आज पहला नवरात्र है जी हाँ, दशहरे तक स्कीम है जी, देर दशहरे तक स्कीम है जी। और इसके साथ में अभी कुछ रेट वेट का बेनिफिट इससे अलग, मतलब ऐसा तो नहीं कहीं कि हम कंपनी ने इस नया आपने आपकी तरफ से ट्रैक्टर पर कोई रेट बढ़ा दिया आपने? ना ना, जो रेट पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है वही रेट है बराबर, मतलब जो पिछला रेट है वही रेट चल रहा है, मतलब रेट में कोई इंक्रीज नहीं है, रेट में कोई डिफरेंस। कुछ कंपनी ऐसा करती है कि मतलब रेट बढ़ा के स्क्रैच कार्ड की स्कीम निकालते हैं तो उसमें फिर किसान नुकसान होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है हाँ जी। प्रत्येक ट्रैक्टर पे स्क्रैच कार्ड है, स्क्रैच कार्ड में निश्चित नगद इनाम है, निश्चित नगद इनाम, खाली निकलेगा कोई ऐसा, निश्चित नगद इनाम है सारे। और मान के चलो एक किसान आता है या मैं ही हूँ उसमें, मैं अपने पे लेता हूँ पहले, मैं इस कंपनी का बड़ा ट्रैक्टर ना खरीद गए हाँ। मैं ये लेता हूँ जी, ये बड़ा छोटा ट्रैक्टर जी, सो हाँ जी, जो 2100 का जिसका लिखड़ा उन कंपनी के लिए वो भी वही कस्टमर है हाँ। और 11 लाख का जिसका लिखड़ा का वो भी वही कस्टमर, सेम कस्टमर है, सेम कस्टमर। अच्छा, फिलहाल के टाइम में जो एस की तरफ से हमारी जो डीलरशिप है शामली के अंदर जी, इस पर ट्रैक्टर हम कौन कौन से प्रोवाइड करा रहे, किस किस एचपी कैटेगरी में प्रोवाइड करा रहे? 20 HP का भी है हाँ, 20 का तो ये हो गया आपका, 20 का तो ये है जी वीर हाँ, 30 HP का भी है हाँ, 40 का भी है, 50 का भी है, 55, 65, 75। फिलहाल के टाइम में एजेंसी में जो अवेलेबल ट्रैक्टर है वो कौन कौन से ट्रैक्टर खड़े इस टाइम? तो 20 HP है और ये 65 HP है, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर 65 HP का बिकता है। V2 इंजन की डिमांड बहुत ज्यादा आती है आपके हाँ। V2 इंजन के कितने ट्रैक्टर हैं फिलहाल यहाँ से? हाँ जी, सब DI 65 है सारे। और जैसे ही मैं या कोई किसान भाई बुक करना चाहता है हाँ। तो कितने टाइम में प्रोवाइड करा दोगे आप ट्रैक्टर को? 24 घंटे के अंदर ट्रैक्टर दे देंगे, कोई से भी चाहिए किसान को, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पेमेंट होने के बाद 24 घंटे के अंदर ट्रैक्टर मिल जाएगा किसान को, मतलब ये नहीं है कि वेटिंग है भाई 10 दिन बाद मिलेगा या 15 दिन बाद मिला, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे पे 5 ट्रैक्टर खड़े हैं जिसमें 11 ट्रैक्टर का पेमेंट जा चुका, कंपनी बिल हुई है, समझ गया, ठीक है जी। और कोई अलग चीज किसान भाइयों कुछ कहना चाहते हो धर्मेंद्र भाई अपनी तरफ से? ट्रैक्टर में बढ़िया चल रहा है, जो भी मैं 40-42 ट्रैक्टर बेच चुका, जो भी किसानों की वो है, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी आज तक भी कोई कंप्लेंट डीजल में ना, लोड में ना, मेंटेनेंस में हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई आज तक, ठीक है। ये है एस का वीर 20, मतलब 20 HP का ट्रैक्टर है, इस पर क्या स्कीम है जी? इस पर भी स्क्रैच कार्ड है, इसमें भी सेम स्कीम है, सेम स्कीम है इस पर। अच्छा, अलग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छोटा ट्रैक्टर ना 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 ना, कंपनी का मतलब है
चाहे मेरा किसान 10 बीघे वाला है चाहे 150 बीघे वाला है, सब बराबर है। मतलब सब बराबर है, सब बराबर है। हाँ वही बात आती है क्योंकि हाँ। कंपनी बहुत ज्यादा होशियारी कर जाए कभी कभी कि मतलब क्या कर रहे हैं कि छोटे ट्रैक्टर पे तो कुछ नहीं है जी और बड़े पे बहुत सारी चीज देते हैं। कंपनी का मकसद है चाहे उनका 20 हॉर्स पावर का है चाहे 75 हॉर्स पावर का है, हाँ जी स्कीम सब पे बराबर है उनके लिए, सब किसान बराबर है। आपकी आपको आज की वीडियो शायद पसंद आई होगी और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। बाकी एक बार आकर एजेंसी पे चेकआउट कर लियो और चेकआउट करने के बाद में क्या है कि आपको जो जो डिटेल मिलती हैं प्रोवाइड होती हैं कंपनी तरफ से जो वीडियो के अंदर है वो सटीक इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा कोई भी इसके अंदर चेंजेज की मतलब कुछ भी आपको यहाँ वीडियो के अंदर कुछ मिलेगा और एजेंसी पर जाकर कुछ और मिल जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप अपनी कन्फर्मेशन करना चाहते हैं एजेंसी पर आकर कर सकते हो। और अगर किसी भाई का 11 लाख का या 5 लाख का या 4 लाख का 2 लाख का स्क्रैच कार्ड निकलता है तो उसका बेनिफिट ही है। जो भाई लेना चाहते हैं आकर एक बार कंसल्ट कर सकते हैं आप एजेंसी पर। शामली नमस्कार किसान भाइयों।